अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो जो है वो रेनन क्लस की सीट कलेक्शन के बारे में है। ये सीट पॉड आप देख सकते हैं, फट चुके हैं। बेशक इनका कलर कुछ ग्रीन सा है, कुछ ब्राउन सा है, तो बेहतर यही होता है जब इनके सीट पॉड इस हालत में आ जाएँ। ये मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा शेड करके, तो आप इनको उतार सकते हैं। सीट इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर सीट कवर है और ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये सीट है इसका। काफ़ी सारे सीट पॉड मेरे ड्राई हो चुके हैं, फिलहाल मैं एक आधा ही उतारूंगा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर सीट कम और कचरा ज़्यादा होता है, तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। मैं पहले इसी को उतार लेता हूँ जो मेरे हाथ में है। तो आइए चलते हैं, उतारते हैं और देखते हैं इसके अंदर से कितना सीट मिलता है। तो जनाब, ये सीट पॉड हमने उतार लिया, अभी हवा भी चल रही है, तो मुझे थोड़ा सा एहतियात से काम लेना होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं सारा नहीं खोलता, मैं इसको थोड़ा सा ही खोलूँगा तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जनाब, ये देख सकते हैं ये इसके सीट्स हैं जिनके अंदर ये ब्लैक डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, और जिसमें ब्लैक डॉट नहीं होगा, जैसे कि ये पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल खाली है, ये सीट नहीं है, इसको साइड पर कर दें। इसके सीट साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें कचरा ज़्यादा होता है। सीट पॉड इसका थोड़ा सा बड़ा था, तो इस वजह से इसमें सीट थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन अगर छोटा सीट पॉड होगा तो उसमें कचरा ज़्यादा निकलता है और सीट कम निकलता है। ये देख सकते हैं आप, ये सारा सीट है इसका, और इसको स्टोर करने का तरीका हमेशा ठंडी जगह पर रखेंगे और पेपर बैग में डाल के रखेंगे, पॉलीथीन में इसको बंद नहीं करेंगे, सिर्फ पॉलीथीन। अगर आपने पेपर बैग में डाला हुआ है उसके बाद आप उसके ऊपर पॉलीथीन चढ़ा दें तो कोई मसला नहीं होता, सिर्फ पॉलीथीन में। अगर आपका कमरा कोई गर्म है या जहाँ पे आप रखेंगे इसको वहाँ पे हीट ज़्यादा हुई तो इसके सीट डेड हो जाते हैं। कोशिश करें कि इसके सीट्स को हमेशा पेपर बैग में सेव रखें, और उसके बाद बेशक उसके ऊपर पॉलीथीन रख दें, पॉलीथीन में वो पेपर बैग आप सेव कर लें, और ठंडे कमरे में रखना है जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना आती हो, जिस कमरे की दीवारें गर्म ना होती हों, वहाँ पर भी आप किसी भी जगह पर इसको ईजीली रख सकते हैं, सीट ख़राब नहीं होते। चाहें तो इसको फंजीसाइड लगा सकते हैं, चाहें तो नहीं लगाएं, बेशक आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इसका सीट तकरीबन 3-1 साल तक चल जाता है। इसकी एक्सपायरी जो है वो 3 साल है, 3 साल के बाद ये दोबारा जर्मिनेट नहीं करता। तो जनाब, ये थे रेनन क्लस का सीट पॉड, ये उसका सीट है, एक दफ़ा फिर गौर से देख लें। ये कुछ ग्रीन सा है, ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, कुछ ब्राउन सा है, तो इशू नहीं है। जब सीट पॉड ऐसे खुलना शुरू हो जाए तो हमेशा उसको उतार लेना चाहिए, क्योंकि सीट फिर ज़ाया हो जाते हैं। ये हेल्दी सीड हैं, कोई इशू नहीं है इनमें, जब भी इनको लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये अपनी जर्मिनेशन कंप्लीट करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।